हेलो दोस्तों, ये जो नींद है ये सोने के टाइम पे आए या ना आए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे जरूर आ जाती है। और आई नो कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका सलूशन चाहते हैं। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपकी हर प्रॉब्लम को बारी बारी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, सो डैट पढ़ाई के टाइम पे आप नींद को दूर भगा पाएं और अपना टाइम यूज कर पाएं, अपने रिजल्ट्स को बेटर कर पाएं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेनबो टेक्निक जो आपकी नींद को भगा देगी। एंड अगर आप सच में चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको फायदा हो, आपकी नींद भागे, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। आर से लेके डब्ल्यू तक हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो को देखें, फिर आप इस टेक्निक को यूज कर पाएंगे, इससे फायदा ले पाएंगे, अपनी नींद को गुड बाय कह पाएंगे। रेनबो का आर, रीड आउट लाउड। क्या आपको पता है कि बोल बोल के पढ़ने से हमारे माइंड को वाइब्रेशंस रिसीव होते हैं, जिनकी वजह से माइंड हमेशा जगा रहता है, एक्टिव रहता है और हमें नींद से बचाए रखता है। और जब आप लाउड बोलकर पढ़ते हो ना, तो हर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक विजुअली तो पहुंच ही रही होती है, लेकिन साथ ही साथ बोलते रहने से आपके माइंड को वही इन्फॉर्मेशन वर्बली भी रिसीव होती है, और उस वजह से चीजें याद होने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका उस टाइम पढ़ाई में इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। और एक बार किसी चीज में इंटरेस्ट बन गया तो नींद तो हट ही जाएगी। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह हो जहां पे लाउड नहीं बोल सकते, जैसे कि लाइब्रेरी में, तो उस केस में चाहे धीरे धीरे बोलो, लेकिन बोल के जरूर पढ़ो, सो दैट आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे और नींद को भगा पाए। अब रेनबो का ए, अवॉइड हैवी मील्स। आपको पता है मेरी दादी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हल्का फुल्का खाओगे तो सदा गुनगुनाओगे, जो भारी भोजन खाओगे तो जल्द ही सो जाओगे। जब भी हम बहुत सारा खाना एक साथ खा लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है, क्योंकि उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी काफी अमाउंट में ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पंप करती है, जिससे कि कुछ देर के लिए जो ब्रेन है उसमें खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस होने लगती है, हमें थोड़ा लेजी फील होना शुरू हो जाता है और फिर हमें नींद आने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी खाएं तो कम क्वांटिटी में खाएं, जिससे कि नींद ना आए। लाइट मील्स लें, हैवी मील्स मत लें। सो फ्रेंड्स, एक ही बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कि कम क्वांटिटी को बार बार खाया जाए, सो दैट नींद जो है वो आपको परेशान ना करे। अब चलते हैं रेनबो के आई पे, इंटरवल्स। एक इंसान के किसी भी काम को करने में जो कंसंट्रेशन की लिमिट है वो 45 मिनट से एक घंटे तक की होती है, जिसके बाद उसका दिमाग जो है वो थकने लगता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बोरिंग हो जाता है, और जब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता तो नींद आने लगती है। सो आप भी चेक करें कि आपका एक सिटिंग का कंसंट्रेशन लेवल कितना है, एक बार में कितनी देर बैठ सकते हो, उसके हिसाब से अपने इंटरवल्स, अपनी ब्रेक्स लो। मान लीजिए कि आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन पावर 45 मिनट्स है, तो हर 45 मिनट के बाद एक 10 से 15 मिनट की ब्रेक लो। ऐसा करने से जो आपका थका हुआ माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, 10-15 मिनट की ब्रेक उसको फ्रेश कर देती है, और जो आप स्लीपी फील करने वाले होते हो, आप स्लीपी फील नहीं करते। सो 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेके आप फिर से पढ़ने बैठे, और आप नोटिस करोगे कि 10-15 मिनट की ब्रेक के बाद आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो रिफ्रेश हो चुका होगा और आप उसको फिर से यूटिलाइज कर पाओगे। अब चलते हैं रेनबो के एन की तरफ, विच इज नैपिंग। दोस्तों, हर बार 15 मिनट की ब्रेक लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार सच में आपको नींद आ रही होती है, आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो वो ऊपर ऊपर से जा रहा है, जो टाइम आप लगा रहे हो उसका फायदा नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में सच में एक नींद लेना बेटर है, ज्यादा सही सोल्यूशन है। इसके लिए आपको अपने पूरे दिन को एक बार मॉनिटर करना होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो दिन के किस टाइम पे सबसे लो होती है, किस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप चाहकर भी पढ़ नहीं सकते, उस टाइम पे आप एक नैप ले लीजिए, सो जाइए, सो दैट जब आप सो के उठें तो एकदम फ्रेश महसूस कर सकें। बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि दिन का खाना यानी लंच करने के तुरंत बाद उन्हें बहुत तेज नींद आ रही होती है और उस टाइम पे वो सो जाते हैं, तो जब वो नींद से उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश फील करते हैं और अपने काम को बेटर तरीके से, बेटर फोकस के साथ कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी देखें कि दिन का ऐसा कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज्यादा स्लीपी फील करते हो, उस टाइम पे अपने आप को जबरदस्ती पढ़ाने की जगह उस टाइम को अपना नैपिंग टाइम बना लो, सो जाओ और सो के फ्रेश उठो और फिर से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओ। रेनबो का बी, बी फॉर बी अपराइट। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो बेड पे बैठे बैठे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उन्होंने बेड पे अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दिया और कब वो नींद के हवाले हो गए। सो दोस्तों, हमेशा जब भी पढ़ने बैठो तो अपनी टेबल चेयर पे ही पढ़ने बैठो,
क्योंकि चेयर पे बैठने से पोस्चर ठीक रहता है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ब्रेन तक डिलीवर करती है। और जब ब्रेन को ब्लड प्रॉपर तरीके से मिल रहा होता है तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हमें पढ़ने वक्त नींद नहीं आती। एंड फ्रेंड्स, चेयर पे बैठ के पढ़ने में और बेड पे बैठ के पढ़ने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। जब आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो या बेड पे लेट के पढ़ते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको रिलैक्सेशन फील करवाने लग जाता है, जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट का पोस्चर ढूंढने लगते हो और फिर आपका माइंड धीरे धीरे आपको स्लीपी फील करवाने लग जाता है। और अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये फील करवाता है कि अभी आप जो कर रहे हो वो कुछ इंपॉर्टेंट है। आप चेयर पे बैठे हो, आप कुछ काम कर रहे हो। सो ऐसे चेयर पे बैठने की वजह से आपका माइंड अलर्ट रहता है और आपको स्लीपीनेस फील नहीं होती। सो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल रीजन एंड साइकोलॉजिकल रीजन दोनों यही कहते हैं कि चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ो, मतलब टेबल पे नहीं बैठना, चेयर पे बैठ के पढ़ो, बेड पे बैठ के या लेट के नहीं। रेनबो का ओ, ऑर्गेनाइज योर स्टडीज। दोस्तों, जब भी पढ़ने बैठो तो एक बात का खास ध्यान रखो कि जो आप पढ़ने जा रहे हो वो इतना भी ज्यादा आपके लिए हार्ड ना हो कि आपको उसमें इंटरेस्ट ना आए, फिर आपको वो बोरिंग लगे और आपको नींद आ जाए। बट आई अंडरस्टैंड कि कई बार कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जो हार्ड है लेकिन पढ़ना जरूरी है। उस केस में आप साथ में अपने इंटरेस्ट वाला भी कोई टॉपिक या सब्जेक्ट साथ लेके बैठो। फिर क्या होगा कि जब भी आपको वो हार्ड सा टॉपिक पढ़ने वक्त नींद सी आने लगे, इंटरेस्ट लूज होने लगे, उसी वक्त आप अपनी पसंद वाला टॉपिक कुछ देर तक पढ़ लो, सो दैट आप वापस फ्रेश हो जाओ। सो हार्ड टॉपिक कवर करते जाओ नींद आने लगे, तो इजी टॉपिक इंटरेस्ट वाला टॉपिक पे जंप कर जाओ। क्योंकि लॉजिक बहुत क्लियर है कि हमारे माइंड को जब उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती तो वो कुछ देर बाद थकावट महसूस करने लगता है, पर फिर जैसे ही उसको उसके इंटरेस्ट की कोई चीज मिलती है वो फिर से एक्टिव हो जाता है और फ्रेश महसूस करना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, कितनी भी नींद आ रही हो, सामने आपकी फेवरेट हीरोइन खड़ी होगी, फ्रेश हो जाओगे। कितनी भी नींद आ रही हो, लॉटरी निकलेगी, उछलना शुरू कर दोगे। मतलब कि नींद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे माइंड को जब उसके सामने कोई इंटरेस्टिंग चीज होती है। सो जब भी नींद आने लगे अपने इंटरेस्ट वाला टॉपिक पकड़ लो, उससे फ्रेश हो जाओ, फिर उस फ्रेशनेस को यूज कर लो हार्ड टॉपिक कवर करने में, एंड जैसे ही दोबारा नींद आने लगे फिर इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे स्विच कर जाओ। ये स्वैपिंग सिस्टम आपको बहुत बेनिफिट करेगा। W वर्क स्टेशन शफल। दोस्तों, आपने इंटरेस्ट का टॉपिक भी पकड़ लिया लेकिन फिर भी कभी लगे कि नींद के चांसेस बन रहे हैं या फिर किसी भी रीजन से नींद आने लगे तो वर्क स्टेशन शफल भी आपके काम आएगा। वर्क स्टेशन शफल मतलब अपने पढ़ाई करने की जगह को बदलना, क्योंकि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो हमारे मूड को बहुत इंपैक्ट करता है। जब हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो सेम एनवायरनमेंट बार बार देखने से हमारा माइंड बोर हो जाता है और हमें नींद सी आने लगती है। सो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हो अपना वर्क स्टेशन को बदलना, जैसे कि घर के गार्डन में चले जाएं, वहां पढ़ाई कर लें, या छत पे बैठ के पढ़ लें, या किसी दूसरे रूम में जाके पढ़ लें। कि जब आप अपना वर्क स्टेशन बदल लेते हो ना, अपने पढ़ने की जगह कुछ टाइम के लिए बदल लेते हो, तो आपका माइंड ऐसा फील करता है जैसे आप कहीं घूम रहे हो, किसी आउटिंग पे हो। सो इस एनवायरनमेंट के चेंज होने से आपका माइंड प्लेजर वाले हार्मोन्स रिलीज करता है, प्लेजर फील करता है, अच्छा फील करता है, खुश फील करता है, जिससे आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है, नींद चुमंतर हो जाती है और आप अपनी स्टडीज पे फिर से फोकस कर पाते हो। इंद्रधनुषी रंगों से तेरी दुनिया भी सजने लगेगी, नींद हो जाएगी काफुर तेरी और कामयाबी तुझे मिलने लगेगी। और दोस्तों, एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। आप चाहो तो समरी पूरे होने पे इसकी एक फोटो ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप पॉइंट्स को रेफर कर पाओ, याद रख पाओ। रेनबो का आर, रीड आउट लाउड। लाउड बोल के पढ़ने से माइंड को वाइब्रेशंस भी मिलती हैं, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। ए, अवॉइड हैवी मील्स। एक बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कम क्वांटिटी में ज्यादा बार खाना। आई, इंटरवल्स। हर 45 मिनट्स के बाद एक 10 से 15 मिनट की ब्रेक खुद को दो। एंड नैपिंग, जब नहीं पढ़ा जा रहा, जिस टाइम सबसे लो फील करते हो उस टाइम पे नींद लेके रिफ्रेश हो जाओ। बी अपराइट। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन दोनों ये कहते हैं कि बेड की जगह चेयर पे बैठ के पढ़ो। ओ, ऑर्गेनाइज योर स्टडीज। हार्ड टॉपिक की वजह से नींद आए तो इजी टॉपिक इंटरेस्ट वाला टॉपिक साथ साथ पढ़ते रहो। W वर्क स्टेशन शफल। नींद भगाने के लिए मूड अच्छा और मूड अच्छा करने के लिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलते रहो। दोस्तों, मेरी इस वीडियो की और हर वीडियो की यही कोशिश है, यही मिशन है, यही विजन है कि आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं और आपको असिस्ट कर पाऊं। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब दबा दें और नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। आप प्यार देते रहते हो, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।